वेलकम बैक मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम से सॉलिड वाला गर्दा उड़ा रहे होंगे। दोस्तों भाई, मौसम का तो आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पूरा हफ्ता ही हो गया है और बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, और रात भी खूब ज़्यादा बारिश पड़ी है, अब भी पड़ रही है। आप देखेंगे मेरा कैप देख लीजिए, मैं सूखा हुआ आया हूँ, थोड़ी देर में गीला हो जाऊँगा पूरा। आप देखिए इधर भी पानी है, इधर भी पानी हो रखा है, और साथ में ये तो खैर कबूतर हमने ढक दिए थे, मगर हम कबूतरों को जरूर खोलेंगे, वरना ऐसा ना हो बारिश के चक्कर में हमारे कबूतर जो है भूखे रह जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस साइड से, ये वाली साइड हम पहले खोलेंगे, और खोलने के बाद आपसे मिलते हैं। दो मिनट रुकिएगा, ब्लॉग में वापसी करते हैं फिर, ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, वेलकम बैक फिर से, और सारे कबूतर खोल दिए हैं इस वक्त, बस इस वाले जाले खोले हैं और उस वाली पेट के खोले हैं, बाकी कोई कबूतर नहीं खोला, उन्हें खोलेंगे थोड़ी देर बाद। हम क्या करते हैं अब दोस्तों, पहले इन वाले कबूतर को दाना डालेंगे, उसके बाद ये अंदर जाएंगे, फिर उन्हें खोलेंगे। वजह उसकी दोस्तों क्या है यार, जब ये कबूतर सारे खुल जाते हैं तो हमें खासा परेशानी होती है इनको बंद करने में। परेशानी ये होती है यार, ये रल जाते हैं, इनको पता नहीं चल पाता है कि जाल कौन सा इनका है, कौन से में जाना है, कौन से में नहीं जाना है। तो कोई कबूतर किसी के खाने में चले जाता है, कोई किसी के में। अब हमारे यहाँ एक दो कबूतरों ने अंडे भी रख दिए हैं, तो हमें ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कबूतर जो है एक दूसरे के अंडे तोड़ दे झगड़ा करके। झगड़े से याद आया, मैंने पिछली बार आपको वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ पर जो नए कबूतर आए थे ना, जो हमने ऑनलाइन शॉपिंग करके मतलब ऑनलाइन मंगाए थे, उन कबूतरों के साथ जो इन्होंने हाल ही में दिखाता हूँ अभी आपको, मैंने कल की वीडियो में परसों वीडियो में आपको बताया था कि भाई इन्होंने झगड़ा करके उनका सिर फोड़ दिया। तो वो जो फीमेल थी ना, देखिए ये था कबूतर, तो बैठा हुआ है ऊपर, वो बैठा हुआ है सामने, ठीक है, उसकी फीमेल ये बैठी हुई है। देखिए इसकी फीमेल थोड़ा जूम करता हूँ, आप सिर देखेंगे ना, सिर पे हल्के बाल उड़े हुए देखेंगे भी आपको, थोड़ा इसको फ्री होने दे दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा भाई, दिखा दे यार, ये देखिए दोस्तों, दिखाई दे थोड़े से उस साइड से, इसकी जो लेफ्ट वाली साइड है उस साइड में आप देखेंगे ना थोड़े से बाल कहीं ना कहीं उड़े हुए हैं, और ये देखिए आप क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आपको, क्लियरली ये देखिए। तो इसलिए हम अब एक बार में एक कबूतर खोल देते हैं, फिर दोबारा में दोबारे वाले, ठीक है। चलिए हम इनको दाना डालते हैं फटाफट से, दाना डालने के बाद इनको हम खिलाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है दाना दोस्तों मैं ले आया हूँ, और पहले इनको दाना डालते हैं ताकि ये दाना वगैरह खा सकें। ये मैंने को दाना इनको डाल दिया है, अच्छा ये खा लेंगे, अगर कुछ दाना बचेगा तो बाकी ये कबूतर खा लेंगे। फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर बीट वगैरह कर दी इसको साफ कर देता हूँ, ताकि इन्हें बीमार ना हो जाए खा के। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, चोंच लगा देते हैं कबूतर बीट में, तो इसलिए जो है बीमार भी हो जाते हैं। ये लो जी, थोड़ी सफाई भी करनी ज़रूरी है, ये मैंने बिल्कुल साफ सफाई इसकी कर दी अच्छे तरीके से, ये लो बिल्कुल साफ हो गया। तो दोस्तों ये जो कबूतर हैं हमारे सारे के सारे, सभी के सभी कबूतर एक साथ दाना खा रहे हैं, खाने देते हैं। दोस्तों खास बात तो यह है कि जब भी हमारे कबूतर खुलते हैं यहाँ पर, जंगलियों का अपने आप ही एक मतलब झुंड आ जाता है दाना खाने के लिए, और हमें बहुत खुशी होती है जब ये लोग दाना खाने के लिए आते हैं, क्योंकि दोस्तों यार इनका भी कोई नहीं होता, इन लोगों को भी दाना चाहिए होता है यार, ऐसी बारिश में ये लोग कहाँ दाना ढूंढेंगे, हर जगह पानी भरा होता है, जितने भी खेत वगैरह होते हैं या छत होती है सब पर पानी होता है यार, तो खाना जो है इनका वो भी खराब हो जाता है। अब ये बेचारे हैं आ जाते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, आज बहुत दिनों बाद सारे कबूतर आए हैं एक साथ जो दाना खा रहे हैं। वैसे ये भी इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे कबूतर खुले और कब इनको दाना मिले। देखिए एक कबूतर वो भी आ गया है, अभी भाग गया डर के। तो हाँ दोस्तों, पॉइंट की बात पर आते हैं। पॉइंट की बात दोस्तों ये है कि आप जैसा कि जानते ही हैं, हमारे यहाँ जो कबूतरों का एक नया जोड़ा आया था नस्ल वाला, जो जिसके बारे में मैंने आपको दिखाया, वो देखिए वो फीमेल है, ये मेल है। बस अब हम ये चाहते हैं कि हमारे इनके जल्दी से अंडे आ जाएं और हम इनके बच्चे निकलवा सकें, ताकि इनकी प्रोग्रेस हमारे यहाँ बढ़ सके प्रोसेस, और जो है हमारे यहाँ ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे कबूतर हो जाएं, ताकि हमारे सब्सक्राइबर को ये नस्ल हमारी पसंद आए। क्योंकि बहुत भाई ने हमसे ये कहा है कि भाई नस्ल पर ही फोकस करें, तो हम नस्ल पर ही फोकस कर रहे हैं। एक तो ये वाला जोड़ा हो गया, ठीक है, इसके अंडे प्रॉपर्ली चाहिए हमें, जो उड़ेगा ही उड़ेगा, और एक ये वाला जोड़ा है, ब्लैक फीमेल है, दाना पानी पी रही है, और वो वाला मेल है। तो दोस्तों ये जो मेल फीमेल है, ये एक जोड़ा और दो जोड़े, ये दो जोड़े हमारे यहाँ बिल्कुल हाई फ्लायर अच्छी नस्ल के हैं, बाकी तो आप जानते हैं
कुछ फैंसी है, कुछ पुराने कबूतर भी हैं हमारे पास। ये सभी लोग दाना खाते ही जैसे अंदर जाएंगे फिर हम दूसरे वाले कबूतरों को भी खोल लेंगे। गाइस देखिए चारों तरफ जो है जब ये खुलते हैं गंदगी काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं। अच्छा एक भाई ने तो कमेंट भी किया था कि भाई मैंने कबूतर पाले थे मगर वो ख़राब कर मतलब ख़त्म कर दिए, वजह उसकी ये है कि वो ये गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं, भीड़ ज़्यादा करते हैं। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है, कबूतर भीड़ ज़्यादा करते हैं और गंदगी ज़्यादा करते हैं, मगर इनकी सफाई करना भी हमारे तुम्हारे हाथ में होता है दोस्तों। जैसे हम और आप अपने आप को साफ सफाई रखते हैं ना, ऐसे हमारा साफ करना भी हमारे हाथ में होता है इनका। अब आप देख रहे हैं कितने सारे उन्होंने बीट की, मगर मैंने फिर भी रेगुलर वाइपर से मैं लगा रहता हूं, और ये वाइपर से देखिए बीट इनकी आराम से साफ कर देता हूं, और ये देखिए निकाल देता हूं। ये हाँ जितनी भी होती है हमारी सारी बीट नीचे वेस्ट जितना भी होता है इनका सब साइड में जाकर ये चला जाता है, वो देखिए हो जा रहा है ना, ये मैं यहाँ से भेज देता हूँ। तो सफाई करनी है हमारे हाथ में दोस्तों। देखो परिंदा है तो थोड़ी बहुत गंदगी तो करता ही है, मगर मसला ये है कि हम कितने हाइजीन हैं, कि हम जो कितने ज़्यादा हाइजीनिक या सफाई साफ सफाई जा रहा है वो हमारे पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक बात है कि इनके लिए कोई पर्सनली कोई ऐसा तो स्टोर होता नहीं जहाँ पर जाके करे कोई, इनको तो जहाँ ही मन करता है वहीं बैठ कर ये कर देते हैं। तो ये देखिए जैसे कि एक वादे के मां भी किया हुआ है, मैं दिखा दूँ दोस्तों। यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। इसमें यार बीच में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, होल्ड करिए मैं देखता हूँ एक बार। ये क्या है भाई, ये तो कीड़ा है शायद। गाइस ये मेरे हिसाब से कीड़ा है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे गाइस, मैंने भी नोटिस किया है। ये देखिए ये देख रहे हैं आप, ये वाइट वाइट ये एक कीड़ा है गाइस, इसका मतलब हमारे कबूतरों के पेट में कीड़े हो गए यार, और ये तो बहुत भयंकर होते हैं यार, कबूतरों को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं दोस्तों। ऐसे कैसे हो गया भाई। तो गाइस ये तो बीट भी ये किसने की थी बीट, यहाँ पर सबसे पहले मैंने कबूतर खोले हैं ये वाले, नहीं ये वाले, और ये वाले बीट करते हैं या तो यहाँ पर देखिए वो करी हुई है या यहाँ पर, और ये वाले जो कबूतर करते हैं अक्सर यहाँ नीचे करते हैं या वहाँ करते हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो बीट है ये बीट इन्हीं कबूतरों की है, और इनकी बीट, अरे भाई बहुत सारे कीड़े हैं इनकी बीट में। तो गाइस इनकी बीट में काफ़ी ज़्यादा कीड़े हो रखे हैं, इसमें तो और जाने हैं भाई। यार ये कैसे हो गया। तो गाइज मैंने अभी अभी जो है नोटिस किया है कि हमारे कबूतर है उनके बीट में कीड़े हो रखे हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेंशन की चिंता की बात है यार, क्योंकि कीड़े अक्सर कबूतरों को ख़राब कर देते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं। मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि यार कुछ भी होगा कबूतरों के बीट में कीड़े ना हो यार दोस्तों। तो ये तो बहुत गलत हुआ यार, अब क्या करें गाइज, बहुत ज़्यादा गलत हुआ ये तो यार। अब यार कीड़े भगाने की दवाई कैसे यार कहाँ मिलेगी, क्या है क्या खिलाएं कीड़े भगाने की दवाई। और गाइस हमारा जो मेन जोड़ा है ना ये वाला, इस जोड़े के ही कीड़े हैं पेट में यार, इन दोनों कबूतरों के पेट में कीड़े हो गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात हो गई यार। यार गाइस यार बस मूड खराब हो गया यार, मतलब यार अगर कीड़े इनके पेट में है तो इनके जो ये खाएंगे पेंगे उन्हें कुछ नहीं लगेगा, और बहुत ज़्यादा समस्या होगी, ये कबूतर सूखे भी आ सकते हैं, और हम तो इनकी ब्रीड लेने की तैयारी कर रहे थे, ये ब्रीड कहाँ से करेंगे भाई, ये इतने कमज़ोर हो जाएंगे, कबूतरी अंडे भी रख देगी ना ऐसे में तो वो मर जाएगी यार। मुझे तो डॉक्टर से सलाह लेनी होगी या कुछ और इंतजाम करना होगा इनके कीड़ों के लिए। और कीड़ों से याद आया भाई ये देखो दोस्तों इधर भी ब्रीड देखेंगे आप वाइट वाली, इसमें भी लग रहा है कुछ ना कुछ लोचा है भाई, कीड़े इसमें भी है जी है। और सभी के मतलब हमारे सारे कबूतरों के पेट में कीड़े हो गए यार, हमने ध्यान भी नहीं करा एक के बाद भी भाई। तो भाई एक नया स्यापा हो गया यार, स्यापा ये हुआ जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारे सारे कबूतरों के पेट में जो कीड़े हो गए हैं, और कीड़े होना बहुत ज़्यादा ख़राब बात है यार, अब क्या होगा यार। बस आप लोगों से एक दरख्वास्त है, दुआ है, निवेदन है कि यार दोस्तों कैसे करें क्या करें अपने कबूतरों को कैसे बचाएं कीड़ों से, आप लोग हेल्प करें थोड़ी सी, बताएं कि कीड़ों को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं ताकि हमारे जो ये कबूतर हैं ये सभी कबूतर सेफ हो जाएं और कीड़े ना कुछ ना बिगाड़ पाए, वरना कीड़े अगर सभी में हालांकि सभी में फैल चुके हैं, बचे कुछ कबूतरों में और ज़्यादा फैल गए तो पूरे सेटअप का नाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पूरा सेटअप यार, सब कबूतर बीमार हो जाएंगे। तो कीड़े के लिए कुछ बताइए प्लीज़ यार, और मैं एक बार कोकी को भी इस बारे में ज़रूर बताऊँगा,
मगर कोकी को बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इससे पूछ करके सही कर लूँ। तो गाइस कीड़े की दवाई के बारे में, कीड़े कैसे निकालने पेट के कबूतरों के, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उस पर रिसर्च करके या ध्यान करके आगे कंटिन्यू काम कर सकूँ, ठीक है। और बारिश जो है बहुत ज़्यादा रखिएगा, इस टाइम मैं दिखा दूँ, ये देखेंगे आप ऊपर फिर से एक बार झड़ना पड़ना स्टार्ट हो गया, थोड़ी बहुत देने फिर स्टार्ट हो जाएगी, हमारे कबूतर फिर से ख़राब ना हो जाए बारिश में, भीग ना जाए या फिर बीमार ना हो जाए भीग करके। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने कबूतरों को बंद कर देते हैं, ठीक है, और आगे का जो भी काम है वो करते रहेंगे। चलिए फटाफट से ऐसा करते हैं कि इनको जो है बंद करते हैं। दोस्तों धूप भी हल्की हल्की निकल रही है, वैसे मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये चौंधा सा आ रहा है पर दिखाने से निकल खा रही है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बंद करते हैं कबूतरों को। ये लो जी, आओ भाई, फिर देखो गाइस ऐसे करते हैं यार, ये कबूतरी भी बहुत परेशान करने लगी आजकल, ये भी कोई बात नहीं करो तुम, मगर जो बंद होने वाले हैं तो बंद ही कर दूँ मैं, ठीक है, बाकी सब उतरेंगे। चलो चलो अंदर, चलो अंदर, चलो चलो अंदर, चलो भाई, चलो सब अंदर, चलो जल्दी, चलो अंदर अंदर अंदर, सीधे अंदर जाना है, अंदर चलो फटाफट। कहाँ जा रही हो तुम इधर, हे देखना यार कितना परेशान कर रही है, चलो अंदर उधर आओ भाई। टेंशन हो गई मेरी बहुत ज़्यादा तुम्हारे पेट वेट को लेकर यार, इतने सारे कीड़े वीड़े तुमने पेट में कर लिए यार। चलो गाइस लॉक कर देते हैं, जो रह गया वो रह गया, उसको बाद में बंद कर लेंगे जैसा भी है, ठीक है। ये लो अब मैं दिखा दूँ आपको कितने कबूतर बाहर रह गए, ऐसे रह जाते हैं जी, तीन ये बैठे हुए हैं और एक वो बैठी हुई है वहाँ पर, एक फीमेल और है ब्लैक वाली, मैंने आपको दिखाई दी। तो फिर दोस्तों चलते हैं इनके कीड़ों वगैरह का इलाज करने के लिए, और देखते हैं कमेंट में आप क्या क्या लिखते हैं और बताइएगा जरूर, ताकि कल हम इस ट्रीटमेंट को रिपीट कर सकें, और ट्रीटमेंट जो भी होगा उसको मैं देने की कोशिश करूँगा पूरी पूरी। बस ख्याल करिएगा दोस्तों हमारा और हमारे पेशेंट सेटअप का, सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।